वेलकम बैक माय चैनल प्रभु सभी को आशीष दे। और आज तो बहुत ही कड़क की धूप निकल रही है, बहुत ही ज्यादा तेज, तो मतलब यह है कि बारिश पड़ेगी पड़ेगी। तो मुझे ये जूते धोने अपने हस्बैंड के, और कभी मन करता है धो दूँ, फिर मन करता है नहीं धोऊंगी, अब थोड़ी देर में धोऊंगी, भूल जाती हूँ तब तक। तो इसको पानी में डाल देती ताकि वो भी ना पहन के जा सके और मैं धो भी लूँ। गिर गया एक। आशीष अपने टैब में लगा है, करुणा सो रही है, और मैं अपना थोड़ा सा अभी किचन संभाल लेती हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता बनाया था। तो यहाँ थोड़ा देखो चींटियाँ लग जाती थी, बारीक बारीक चींटियाँ, पता नहीं आती कहाँ से, आटा रह गया ना इस पर थोड़ा सा, आपको दिखेगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा बारीक है। और आशीष ने फिर से आइसक्रीम मंगा ली, मैंने मना करा था उसके डैडी को क्योंकि उसका जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। और ये अब मेरा फ़ोन लेकर रात को 11 बजे अपने पापा को फ़ोन करके बोलता है पापा आइसक्रीम ले आना। और इसने दो तीन नंबर मिलाया, पता नहीं किस किस को, वो भी मतलब चल रहे थे, मतलब कॉलिंग जा रही थी इस पर। और फिर इसमें बहुत सारी आइसक्रीम है, लगभग 30 आइसक्रीम है। ये देखो मज़े तो आशीष के हैं, जब से आशीष मेरा हुआ है हमारे लिए बहुत ही लक्की है। वैसे तो मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती कभी भी। जब आशीष नहीं था तो हमारा बहुत बुरा टाइम चल रहा था, बहुत बुरे दिन देखे हमने। आहा देखो पीछे से आइसक्रीम दे दो, पता नहीं कितनी आइसक्रीम खाता है, ये खाता ही रहता है। गलती बना रहा था व्लॉग, इसके कान में आवाज पड़ गई तो उठ के ही आ गया। इस टाइप की आइसक्रीम है सारी, डंडी काफी बड़ी है, अच्छी आइसक्रीम है ये, नया कोई वो खुला था स्टोर तो उसमें अच्छी अच्छी आइसक्रीम मिली है। 10 रुपीज़ में एक पड़ती है, तो मेरे हस्बैंड को सही लगता है क्योंकि 3 या 4 आइसक्रीम फ्री मिलती है पूरा डब्बा लेने पे, सही है। फिर मेरा बाबू उठ गया, मेरा बाबू अच्छा है, ये आइसक्रीम उसक्रीम कुछ नहीं खाता है, आराम से मेरे को देखता रहता है और खुश होता रहता है। बात करा लो इससे, बस बहुत बातें करती रहती है बातें। अच्छा देखो आज भी आ जाएगा आशीष का कपड़ा, उसमें लिखा हुआ मैसेज, हाँ कोड आया कोड। इतनी बेइज्जती ठीक नहीं है यार, आप बोलो क्या हो गया। मीशा आपका सिल्वर प्ले बटन कहाँ है? 10,000 सब्सक्राइबर नहीं है और आप सिल्वर प्ले बटन की बात कर रहे हो, वो 100 के होने पे मिलता है। और तुम बग्गा मेरे ना वो कहते ना क्या बोलते हैं, खुशकी तार रहे थे, चुमटी ले रहे थे, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मतलब आप वो कर रहे थे कि बुरा सा लग जाए थोड़ा सा इसको, कहाँ है तेरा वो इतने टाइम से वीडियो बना रही है, नहीं है मेरे पास, नहीं है, कहाँ है प्ले बटन। अरे यार बड़ी बेइज्जती करते यार तुम। मैं सुबह होते ही ना खिड़कियाँ बंद कर दी, तो आज मेरे घर के जो अंदर है उसमें गर्मी कम लग रही है, तो मतलब रोज डेली बंद कर देना चाहिए, बाहर से ना गर्म उमस आती है अंदर की तरफ। आज बड़ी जल्दी 12 बज गए, मैं सोच रही थी 1 बजे खाना बनाना की तैयारी करूंगी, लेकिन अभी मुझ पर पूरे 1 घंटा फ्री हूँ मैं, तो इसके लिए मेरे को एक काम करना चाहिए, अपने लिए वीडियो बना लेनी चाहिए शॉर्ट वाली, क्योंकि मैं कल छुट्टी पे थी और कल मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने खाना बनाया और ना मैंने कोई वीडियो वाड़ी बनाया। हाँ व्लॉग तो यह है कि आपको पता है व्लॉग तो हम कभी भी कैसे ही बना लेते हैं, चाहे ना हो चाहे ना ना हो, चाहे मुंह पे क्रीम लगाया हो ना लगाया हो, चाहे मेकअप किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन वीडियो वाड़ी बनाने के लिए वो गाइडलाइन में इतना सारा कुछ, मतलब मैनेजर जो होते हैं ना वो हमारे को गाइडलाइन वो करते रहते हैं, आपको मेकअप करना चाहिए, आपका पूरा शरीर ऐसे आना चाहिए वीडियो में, पता नहीं क्या आ गया आप तभी आगे जाओगे, इसलिए उनकी भी थोड़ी सुननी पड़ती है और फिर पुताई करनी पड़ती है मुँह पे। और मेरे को पुताई करने से बहुत डर लगता है क्योंकि मेरे मुँह पे ना फिर दाने निकलना चालू हो जाते हैं अगर मैं ज़्यादा मेकअप कर लूँ तो। दूध वाले भैया आ गए हैं, पर मेरे हस्बैंड ने कहा था अगर 40 रुपये लीटर देंगे तो ही लियो वरना मना कर दियो, तो मैंने भी बोला भैया अगर 40 रुपये लीटर दोगे तो मेरे हस्बैंड ने कहा ले लियो वरना मना कर देना, क्योंकि देखो दूध में अगर 2 रुपये बढ़ा भी दे तो कोई बात नहीं, इंसान दे भी देगा, पर उन्होंने क्या करा दूध ना अच्छा नहीं आता इतना ज़्यादा, उसमें ना मतलब मलाई नहीं पड़ती बिल्कुल भी, फिर भी हम ले लेते। तो ले लिया मैंने दूध, नहीं चप्पल ना उल्टी हो रही थी यहाँ पे, सीधी कर दूँ उसको मैंने, वैसे आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हो कि चप्पल उल्टी होगी तो घर में झगड़ा होएगा, मैंने तो उल्टी करके एक दिन रख के देख लिया था कि झगड़ा होता ही नहीं होता, तो ये सब कहने की बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक चीज़ नोटिस की है अपनी ज़िंदगी से और सारे वीडियो जितने भी हैं वो मेरी खुद की रियल लाइफ से रिलेटेड है, अगर आपको मोटिवेशन लगता है तो वो आपके लिए मोटिवेट हो सकता है, लेकिन मेरी रियल स्टोरी चल रही है यार, तो मैं रियल तरीके से आपको बताती हूँ। मैंने अपने लिए एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप इन हाथों से किसी को आशीर्वाद देते हो तो आप अपने जीवन में आशीषित होगे, वो भी ऊपर वाले की उससे उसके हिसाब से कि हाँ ये इंसान दूसरे को हमेशा अच्छी सोचता है, अच्छा आशीर्वाद देता है, अच्छा बोलता है, तो आप ऊपर वाले की नज़रों में अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आप अगर किसी को श्राप दोगे, आप किसी को उल्टा सीधा बोलोगे तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आप जो उसके लिए बोल रहे हो तो होगा उसके साथ, तो डेफिनेटली होगा, तो आपने मुंह से जो शब्द बोलने हैं वही होना है, लेकिन आपके साथ भी आपके जीवन में वही होगा। तो इसलिए हमेशा दूसरों को आशीषित करो और खुद भी आशीषित रहो और किसी को श्रापित मत करो, क्योंकि आपका जीवन भी फिर श्रापित होएगा, उससे ज्यादा होएगा, बल्कि आप उसको श्राप दोगे ना उससे ज्यादा आपका जीवन बेकार होता चला जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए जिंदगी में। देखो ना, जहाँ मैं जॉब करती हूँ मेरे को 3 लाइफ के सेशन करने जरूरी है, और इन बच्चों को मैं सुला सुला के थक जाती हूँ शाम के टाइम कि सो जाओ तुम, मैं आधे घंटे लाइव बैठ जाऊंगी, सो ये सोने का नाम ही नहीं लेते। जब मेरे को खुद को 10 बजे नींद आने लगेगी तब जाके ये भी सारे के सारे सो जाते हैं। आधा किलो दूध मेरा पूरा नहीं होता, ठीक है, और 1 किलो दूध मेरे को ज्यादा हो जाता है। अब देखो इसमें रखा है दूध, इसमें भी रखा है दूध, पूरा भर के रखा हुआ है, ठीक है, और इस डोम में भी मैं दूध लेके आई हूँ, इसमें भी दूध रखा है, खुल जा, इसमें भी दूध रखा है। अब ये हो गया ज्यादा, अब लगभग 2 किलो दूध घर में अभी है। और ऐसी बात नहीं कि दूध नहीं था, सुबह चाय बना के सबको दी, और दूध दूध की चाय बनाती हूँ इस वजह से कि दूध में पानी ज्यादा रहता है, तो मैं दूध दूध की चाय बनाती हूँ। और ऐसी बात भी नहीं कि दूध नहीं पीती, दूध भी पीती हूँ ताकि मेरी बच्ची को पूरा पड़ जाए दूध ना, और उसको निप्पल से भी पिलाती हूँ, कभी कभी इतना ज्यादा आधा किलो कम पड़ जाता है। आपके साथ भी ऐसी होता है क्या? दूध पी रही हूँ, दूध पीते पीते मैंने कमेंट पढ़ा तो कोई कह रहा था कि दीदी प्लीज बात कर लो ना, आप लोग इतने रिक्वेस्ट करते हो, इतने रिक्वेस्ट करते हो यार, कभी मौका मिलेगा ना तो आप मुझसे मिलने जरूर आना, डेफिनेटली खुशी खुशी। लेकिन हाँ, मेरे जितने 1,00,000 सब्सक्राइबर होंगे मैं तुम में से एक जने का घर का एड्रेस लेके उसके घर मिलने आऊंगी पक्का, जिसे मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए मुझे प्ले बटन मिल गया तो पक्का वादा करती हूँ। तो मेरा व्लॉग रोज देखा करो, और जिस दिन 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरे को आपका नाम भी याद हो जाएगा तब तक देखते देखते, और मैं पक्का आपके घर आऊंगी डेफिनेटली। और आपका घर चाहे कैसा भी हो, क्योंकि आपका होगा कि मैं हमारा घर ऐसा है कि निशा को नहीं बुलाते, तो ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जो आप कहते हैं ना झोंपड़ी वाला घर होता है उसमें पुताई होते, तो मेरा जन्म बहुत आगे का है, जहाँ यहाँ रहते हैं ना जिस जगह वहाँ पे पहले सबके फूस के घर हुआ करते थे और उससे मिट्टी से लेपे हुए घर हुआ करते थे, अब यहाँ पे जैसे डेवलप हो गया काफी टाइम से, तो अब यहाँ पे सबके पक्के मकान है और हमारा भी पक्का मकान है, लेकिन हमारा सबसे लास्ट में घर बना है यहाँ पे मेरी मैरिड के बाद। दूध पिया है मैंने, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैंने पानी पिया है, उन भैया से बोलूंगी भैया अगर दूध थोड़ा सा भी सही दोगे तो देखो आगे मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपका हिसाब मुझे क्लियर कर देना चाहिए, आप ये पैसे पकड़ो अपने दूध के, मैं अब दूध लूंगी दुकान से फुल क्रीम का 1 पैकेट आधा किलो का, उसमें डालूंगी आधा गिलास पानी, ताकि आधे से थोड़ा ज्यादा दूध चाहिए होता है मुझे और वो पूरा हो जाए, है ना। ये वाला आइडिया मेरे को अपने आप में ठीक लग रहा है और मुझे ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि 1 किलो दूध में मुझे लगता है वो पूरा मुझे आधा किलो दूध और आधा किलो पानी मिक्स करके देते हैं। निशा नानू के लिए ऐसा मत बोलो, नानू बहुत अच्छे इंसान, मैंने कब कहा कि वो अच्छे इंसान नहीं है, अगर क्या बोलते वो अच्छे ना होते तो शायद से मैं यहाँ पे होती भी ना, मैं तब तक चल बसती चली जाती कहीं ना कहीं। मुझे पता है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी फैमिली से मैं किसी को पसंद नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक और शादी कर ले जो पसंद वाली हो, वो अच्छी खासी हो दिखने में भी सब कुछ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ यार। तो कि निशा वीडियो बना रही है और उसकी बच्ची रो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पता ही है, इसके पास उठ के जाओ ना ये आ करती और फिर इसके पास आओ के खेलने लगती है, ये देखो हम तीनों यहाँ बैठ के खेलने लग गए, अभी आवाज आती है मेरी वीडियो में पीछे से ना, ये बड़ी वो है कि बातें करो बस इससे बातें करो, आपको पता है एक बात, आशीष और मैं ना चार्जर की लड़ाई कर रहे, उसके टैब में 7% चार्ज है और मेरे फोन में 7% चार्ज है, मैं कह रही हूँ मेरे को लगा दे टैब, क्या बोलते अपना फोन, वो कह रहा है मेरे को टैब लगाने दो, और वो लगा के देख रहा है तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो चार्ज में फोन लगा के देखे, तो मैं लगाऊंगी चार्ज। और अब मैं जाती हूँ खाना बनाती हूँ, बहुत लेट हो गया मेरे को आज ना, 1 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, मैंने बोला था 1 बजे बनाऊंगी पर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड ना 2 या 3 बजे के बाद फोन करना चालू कर देते हैं कि मैं खाना खाने आ रहा हूँ, तो मुझे खाना बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ कटिंग कर रही थी तो मेरे को कुछ बात याद आई, मैं सोचा आपके साथ शेयर करो, आपको ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता मतलब अच्छा नहीं है, मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छा, हर मंडे को मेरे हस्बैंड पता है मेरे से क्या कहते हैं, निशा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू जो बोलेगी ना वो सब कुछ कर दूंगा, और जहां मैंने शॉपिंग वाला ऐप खोला कहूँ मैंने ये ड्रेस दिला देनी है कि मेरे को ये दिला दो, वो कहते हैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ बाथरूम से होके आ रहा हूँ, बस इतना बोलेंगे, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए पता ही नहीं चलता। हफ्ते में 2 बार मेरे हस्बैंड बोल ही देते हैं मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ,
और एक वाइफ क्या चाहेगी, उसका हस्बैंड उसकी कभी तारीफ कर दे, कभी उसको आई लव यू बोल दे, कभी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ ऐसा बोल दे, बंदा खुश हो जाता है। औरतों को तो तुम थोड़ा सा प्यार से बोल भी दोगे ना, उसके लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे हस्बैंड तो बस पूछो मत, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरे ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, और वो करते नहीं है, लेकिन बोल दिया वही बहुत है, बस बोल दिया कर बहुत है बहुत है। तो आज मैंने क्या बनाया है, कद्दू, और है गर्म है बहुत, तो लगभग पक ही चुकी होगी मेरी सब्जी ना। कद्दू बनाया मैं, कद्दू दो तरह के कद्दू ला रखे थे, ये वाला कद्दू जल्दी पक गया। आधे लोगों को मेरी बात बिल्कुल सही लगती है, आधे लोग मुझे ही समझाने लगते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ मैंने देखा, देखो मेरे घर में सब कुछ था, जहाँ मैं रहती थी मम्मी के पास भी सब कुछ था, तो हमें पता कभी पता ही नहीं चला कि गरीबी क्या होती है, पैसों का मोल क्या होता है, लेकिन अब मुझे सब पता है लेकिन अब मुझे सब पता है कि पैसे क्या चीज़ है, ठीक है। तो पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और अपनी मेहनत का पैसा, हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, हर मेहनत, अगर आपके पास पैसा तो आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर विराट कोहली के पास पैसा ना होता तो अनुष्का शर्मा शादी कर लेती उससे, बताओ, नहीं करती। नाम होना और पैसा होना बहुत जरूरी है, पैसे वाले लोग पैसे वालों से ही शादी करते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढते हैं और पैसे वाला ही ढूंढते हैं। सही कह रही हूँ मैं, भले आपको गलत लग रहा हो मेरी बात, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी बेटी अच्छे से घर में जाए, अच्छे से रहे, सब कुछ फैसिलिटी हो, ये बात सच है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तो एक बार आपकी ज़िंदगी में गरीबी का दौर आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी में आया है तो हमें पता है पैसों की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या नहीं है। और मेरा एक सपना है जो मैं आज डिस्कस कर देती हूँ। वैसे कहते हैं कि अपने सपने को कभी भी यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए कि जब तक वो पूरा ना हो जाए, फिर भी चलो मैं कर देती हूँ, पर मेरा ये ख्वाहिश है, और मेरा क्योंकि मुझे खाना बनाना आ चुका है, तो मेरा खुद का ये है कि मेरा एक खुद का रेस्टोरेंट हो, जिसमें मैं कुक भी खुद हूँ, और मतलब सब जो सर्वेंट होते हैं वो मैं सर्व करने वाली भी खुद हूँ। और पता नहीं ये सपना मेरा कब पूरा होगा, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद का रेस्टोरेंट खोलूँगी सच में। इसको देख रहे हो, इसको मेरी लाइफ में एक दौर ऐसा आया था कि मैं माना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बच्चों को भी उस टाइम पढ़ाती थी, ठीक है, और मेरा नाम पूरा नहीं पढ़ रहा था मेरे घर पे, ठीक है, और ये आज सो भी रखा था, तो ये कभी ये दूध नहीं पीता कभी भी, क्यों, क्योंकि हमने काली चाय जो होती है ना उससे भी रोटी खिलाई है, उसने उससे भी खाई है। मेरे टाइम में ऐसा था कि मैं पूरा नहीं पढ़ता था, मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मुझे किसी घर में बर्तन धोने की नौकरी मिल जाएगी ना, मैं वो भी कर लूँगी उस टाइम। धीरे धीरे बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आया कि ईश्वर ने देखा कि ये सब कुछ करने के लिए रेडी है, तो मैं इसको क्यों परेशान करूँ। फिर हमने एक साल के अंदर अपना घर भी बनाया, और एक साल के अंदर ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, एक साल के अंदर में ही मेरे पास सब कुछ है, तो इससे अच्छी बात क्यों होगी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलते 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 इतनी बदली कि बदल ही गई। मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो लोग हार मानते हैं, अपना सच छुपाते हैं, मतलब बस दिखावा ही करते हैं, होता नहीं कुछ चीज़ छुपाते हैं लोग कि अगर हमारी गरीबी देखेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे को किस टाइप से देखते हैं किस टाइप से नहीं देखते हैं। मैं अपनी लाइफ बिंदास होकर जीती हूँ, लेकिन कोई कोई फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ मना करते हैं। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला तुम मुझे मना करोगे ना, मैं पक्का एक दिन तुम्हें छोड़ के चल जाऊँगी, ये मत कर वो मत करो कटोकी करोगे तो, क्योंकि लाइफ में अगर मैं गलत चलूँ तो तुम्हें बिल्कुल हक है कि हाँ तू गलत कर रही है, तो ये वीडियो बनाना गलत है तो बताओ। मेरे हस्बैंड मेरे को वीडियो वाडियो बनाने के लिए तो मना नहीं करते, इसलिए बनाती हूँ, अगर ना भी कर देते तो शायद मैं नहीं बनाती, बट मेरे दिल की कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करती हूँ, और मेरा मन भी हल्का हो जाता है थोड़ा सा। मेरी समझ में नहीं आता, मैं थोड़ी सी तो बात करी हूँ, मेरा वीडियो इतना लंबा हो जाता है, पता है 15 मिनट का हो गया लगभग। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना जल्दी से, ठीक है, कर देना यार प्लीज़, कर देना बाय।